गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैड स्टार्टेड अ चैप्टर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स। आपको पता है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ यंग वंस, मीन्स यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टीज विच प्रोड्यूसेस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स एंड द हार्मोन कॉल्ड अ टेस्टोस्टेरोन। स्टूडेंट, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किसका बना हुआ है? अ पेयर ऑफ टेस्टीज का बना हुआ है, मीन्स टेस्टिस का एक पेयर है। ये ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है? टू, मीन्स मेल बॉडी में। ओके, विच प्रोड्यूसेज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्या प्रोड्यूस करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पर्म्स। एंड द हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन। ओके स्टूडेंट, मीन्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टीज विच प्रोड्यूसेज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इट इज कंटेन्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स ये किसमें है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। सैक मीन्स एक सैक मीन होता है बोरी, मीन्स सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। फ्रॉम ईच टेस्टीज अराइज अ ट्यूब कॉल्ड वासा डिफरेंस, मीन्स ये जो भी टेस्टीज है वो क्या अराइज करती है? एक ट्यूब जिसे बोलते हैं वासा डिफरेंस। इट जॉइंस इन टू यूरेथ्रा, ये कहाँ पे ज्वाइन होती है? यूरेथ्रा में। द यूरेथ्रा इज इनक्लोज इन अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड अ पेनिस, जो यूरेथ्रा है वो किसके अंदर इनक्लोज है? एक मस्कुलर ऑर्गन के, जिसे क्या बोलते हैं? पेनिस। इट हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड अ जेंटल पोर, मीन्स पेनिस के एक सबसे नीचे क्या है? एक ओपनिंग है जिसे बोलते हैं जेंटल पोर। द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस फ्लूड्स, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लूड्स। विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मीन्स न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, और किसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं? स्पर्म्स की मूवमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखो इसका डायग्राम करेंगे। हम डायग्राम में देखो हमने क्या क्या पढ़ा। देखो डायग्राम के पहले सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स बताऊंगी, कौन से? ब्लेडर है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, एपिडाइडमाइस है, टेस्टिकल है। टेस्टिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे टेस्टीज आएगा, वासा डिफरेंसेस है एंड दी यूरेथ्रा। ओके स्टूडेंट्स, मींस आपको पता है ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन स्टोर होगा। सेमिनल वेसिकल दिखाया गया आपको, सेमिनल वेसिकल्स एंड दी प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोवाइड करते थे? न्यूट्रिशन और स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ओके स्टूडेंट, प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड है, वासा डिफरेंस भी आपको दिखाया गया है, वही हमने क्या पढ़ा था? फ्रॉम ईच टेस्ट इज अ राइज अ ट्यूब निकलती है जिसे बोलते हैं वासा डिफरेंस, और ये ज्वाइन हो रही है। देखो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, वासा डिफरेंस और यूरेथ्रा क्या हो रही हैं? ज्वाइन हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब साथ ही में एक और डायग्राम दिखाई, ये किसका डायग्राम है? स्पर्म का। स्पर्म के पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्रोसोम, हेड, मिड पीस एंड दी टेल। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टीज, मीन्स ये किसका बना है? पेयर ऑफ टेस्टीज का। विच प्रोड्यूसेस मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्म्स। एंड द हार्मोन, कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। इट इज कंटेन्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये किसमें है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंद है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब कॉल्ड अ वासा डिफरेंस, इट जॉइंस इन टू यूरेथ्रा, ये कहाँ पे ज्वाइन करता है? यूरेथ्रा में। द यूरेथ्रा इज इनक्लोज इन अ मस्कुलर ऑर्गन, यूरेथ्रा कहाँ पे इनक्लोज है? एक मस्कुलर ऑर्गन में, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेनिस। इट हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड अ जेनिटल पोर, इसमें एक ओपनिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं? जेनिटल पोर। द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करें? फ्लूइड, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, नीचे आपको डायग्राम दिखाई दिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और साथ में किस का डायग्राम है? स्पर्म का। स्टूडेंट्स आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन में जरूर आता ही आता क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का डायग्राम आता है पेपर में, उसको लेबलिंग करना आता है, स्पर्म के बारे में 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं इसमें।
स्टूडेंट ये मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किसका बना हुआ है? अ पेयर ऑफ ओवरीज का, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवा और द एग्स। और कौन सा हार्मोन करता है रिलीज? ये एस्ट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, अबव द ओवरीज आर ट्यूब्स लाइक अबव द ओवरीज आर ट्यूब्स कॉल्ड ओविडक्ट्स और द फेलोपियन ट्यूब्स। ओके स्टूडेंट्स, ओवरी के ऊपर जो ट्यूब है उसे क्या बोलते हैं? ओविडक्ट्स और द फेलोपियन ट्यूब्स। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इन टू अ बैग। जो टू ओविडक्ट्स हैं वो इकट्ठी होकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूट्रस। द यूट्रस हैज़ अ ओपनिंग कॉल्ड अ वेजाइना। जो यूट्रस में एक ओपनिंग है उसे क्या बोलते हैं? वेजाइना। स्टूडेंट देखो, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स आपको दिखाती हूँ मैं। फेलोपियन ट्यूब दिखाया गया है, यूट्रस दिखाया गया है, यूरिनरी ब्लैडर। आपको पता है यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। वेजाइना, ये आपका सेजिटल व्यू है। देखो नीचे एक और व्यू दिखाया गया, आपका फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स, वेजाइना, एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यूट्रस एंड दी ओवरी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये किसका बना हुआ है? अ पेयर ऑफ ओवरीज का, जो क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवा और द एग। एंड द हार्मोन एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज करिए? एस्ट्रोजन। अबव द ओवरीज, ओवरीज के ऊपर ट्यूब्स हैं जिसे बोलते हैं ओविडक्ट्स एंड द फेलोपियन ट्यूब्स। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इन टू अ बैग। जो टू ओविडक्ट्स हैं इकट्ठी होकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूट्रस। द यूट्रस हैज ओपनिंग कॉल्ड अ वेजाइना। यूट्रस में एक ओपनिंग है जिसे बोलते हैं वेजाइना। स्टूडेंट यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी 4-5 मार्क्स और 2 मार्क्स इक्वेशन बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी जरूर बनते हैं। कई बार तो स्टूडेंट आपको कई बार डायग्राम ही पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके पार्ट्स को लेबल करो। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इनको अच्छे से करना। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।